हेलो सो वेलकम बैक टू माय चैनल सत्यम गीक्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ गोवा के सबसे बड़े क्वेश्चन के बारे में कि भाई गोवा में सनबर्न फेस्टिवल कब है, कैसे मनाया जाएगा, क्या टिकट्स मिलते हैं, कैसे टिकट्स मिलते हैं, कितने एक्सपेंसिव होते हैं टिकट्स इसके, और उसके अलावा सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो अगर आप अपने 20s में हैं, 21, 22, 23, 25, 26 एंड किसी भी एज में हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी एक वो कीड़ा है म्यूजिक वाला, फेस्टिवल वाला, so this is a must visit place for you। so गोवा में स्टार्ट होने वाला है सनबर्न फेस्टिवल, जो कि गोवा में हर साल मनाया जाता है। इस बार 2023 में जो सनबर्न फेस्टिवल है, this is the 13th edition of सनबर्न फेस्टिवल इन गोवा। ये गोवा का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं, डीजेस आते हैं, आजेस आते हैं एंड खूब मस्ती होती, खूब मजा होता है। सो सनबर्न फेस्टिवल 2023 का, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आज कि देखिए जो ये सनबर्न फेस्टिवल है गोवा का, ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है जो गोवा में हर साल मनाया जाता है। 27 या 28 दिसंबर से स्टार्ट होता है, 28 दिसंबर से 28, 29, 30, 31 जमकर पार्टी होती है, खूब मजा होता है, खूब जबरदस्त पार्टी शेकिंग वगैरह यहाँ पे होती है। और दिस इज ऐसा टाइम है गोवा का जिस टाइम गोवा अपने पीक पे होता है। गोवा में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि इंडियंस की नहीं, फॉरनर्स की भी इतनी इन्फ्लक्स दे कम इन टू इंडिया कि इतनी भीड़ होती है कि वहाँ पे पैर रखने की जगह भी नहीं होती है। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ वन फेस्टिवल दैट इज कॉल्ड गोवा सनबर्न फेस्टिवल। तो अब बात करते हैं इस फेस्टिवल की डिटेल्स की। तो अब ये गोवा का फेस्टिवल कब मनाया जाता है? सनबर्न फेस्टिवल हर साल गोवा में 3 दिन के लिए मनाया जाता है, 28, 29, 30 दिसंबर की, एंड 31st को न्यू ईयर पार्टी होती है, ठीक है। सो लास्ट ईयर ये सनबर्न फेस्टिवल मनाया गया था वेगेटर बीच में, जो कि आपका पागल से हार्डली 7 या 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। लेकिन इस बार का वेन्यू हम डिसाइड नहीं हो पाया है कि इस बार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा, बट डेट्स फिक्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि इसके टिकट्स कैसे बुक करने हैं, कौन लोग जा सकते हैं, कब जाना है आपको, किस टाइम जाना है एंड क्या क्या यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो गोवा का टाइम है, ठंड का थोड़ा मतलब जो मौसम है इस टाइम गोवा में, नवंबर दिसंबर ये बेस्ट मौसम माना जाता है अपनी पार्टीज के लिए। सो इस टाइम बहुत गर्मी यहाँ नहीं होती है, टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है एंड फेस्टिवल इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अब इसमें क्या है, डीजेस आते हैं, डीजेस ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं, इंडिया के कुछ टॉप डीजेस आते हैं, कुछ बाहर डीजेस आते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि डीजेस आके शाम को यहाँ पार्टी पे चार चांद लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि दिन में, जब मैंने बोला कि ये फेस्टिवल 3 दिन का फेस्टिवल है, दैट मीन्स कि ये फेस्टिवल 3 दिन तक चलेगा, सुबह दोपहर शाम एंड रात। तो इसमें क्या है कि दिन में भी डीजे रहते हैं, दिन में क्या जो यंग डीजेस हैं, जो कि अभी डीजेस बनने वाले हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये डीजेस दिन में आके परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस फेस्टिवल की टाइमिंग्स की। टाइमिंग देखिए, ये फेस्टिवल है 3 दिन का, दिन में स्टार्ट होता है 27 तारीख को, 1-2 बजे स्टार्ट हो जाता है, रात के 12, 1, 2, 3 बजे तक चलता है, जबरदस्त पार्टी चलती है। अब बात करते हैं कि दिन में फेस्टिवल में क्या होता है। देखिए, ये जो इतना बड़ा इवेंट होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो दिन में क्या है, दिन में यहाँ पे बड़ी बड़ी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि आपका पंजी लगा देते हैं यहाँ पे, पावर रनिंग हो जाती है, उसके अलावा कई बार जो यहाँ पे जो है इसके अलावा वाटर एक्टिविटीज खुल जाती है उस टाइम के लिए, उनको एंजॉय कर सकते हैं। बीच में कुछ इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, डांस स्टार्ट हो जाते हैं, दिन में सही से चलता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, दिन में एक आवर चलता है जिसको लोग बोलते हैं हैप्पी आवर्स। इसमें क्या होता है, हैप्पी आवर्स में लोग 2 से 3 घंटे के लिए सब कुछ बहुत हैवी डिस्काउंट पे अवेलेबल होता है, आपका खाना से लेके इवेंट में पार्टिसिपेशन तक सबकी जो प्राइस है ये काफ़ी कम हो जाते हैं, बिकॉज डिस्काउंट चलता है दिन में।
तो शाम को एकदम भसड़ बची होती है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं टिकट्स की। अब सनबर्न फेस्टिवल के जो टिकट्स हैं ये इतने सस्ते नहीं हैं। सनबर्न फेस्टिवल की जो टिकट्स हैं ये आपके स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 3,000 रुपये है। इसके बियॉन्ड वो कुछ भी जा सकते हैं, बिकॉज जब लोग वहाँ से आते हैं तो पैसा लेके आते हैं, सो दे हैव अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड इन सो इंडियन इंडियन करेंसी, सो द टिकट प्राइस गेट्स स्केल्ड अप। सो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 हज़ार तक का टिकट आपको मिनिमम वहाँ पे फेस्टिवल का मिलेगा भी। अब एक और चीज़, ये जो 3 दिन का फेस्टिवल है इसमें जो टिकट्स मिलते हैं ये 1 दिन के मिलते हैं, 2 दिन के मिलते हैं, 3 दिन के मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपने 28 तारीख का टिकट लिया तो वो 28 तारीख का टिकट 29 तारीख को वो एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। सो आप ध्यान रखें जब भी आप टिकट लें उसमें ध्यान देख लें कि वो टिकट जो है वो 1 दिन का है या 3 दिन का है, ठीक है। इसके अलावा टिकट मिलेगा कहाँ से भी? ठीक है, टिकट बुक करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने लास्ट ईयर अपनाया था वो था बुक माई शो। आप लोग बुक माई शो पे जाइए, टिकट बुक कीजिए एंड जो भी चार्जेस वो दीजिए, एंड सबसे बेस्ट कन्वीनियंट भी आपका यही है, बुक माई शो से टिकट बुक कीजिए, उससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। सो दिस इज हाउ इट गोज। सो दिस इज सनबर्न फेस्टिवल हैज नाउ वी हैव द टिकट्स फॉर सनबर्न फेस्टिवल। सो या वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड ओम, ही केम टू मी एंड सेड भाई ये फेस्टिवल कब होता है कैसे होता है। तो मैंने कहा बिल्कुल भाई तुम्हारी बात मैं वीडियो बनाऊंगा एंड दिस इज हाउ इट गोज। अब मैं तुम्हें बात कर लेता हूँ कि टिकट्स और कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं। टिकट्स मिलने के लिए एक और है वेन्यू पे, आप गोवा में जहाँ पे भी इस बार सनबर्न फेस्टिवल होने वाला है यहाँ पे आप वेन्यू पे जाइए, वहाँ पे भी टाइम टिकट मिलेगा। बट वहाँ पे क्या है, टिकट की ब्लैक मार्केटिंग है, जबरदस्त ब्लैक मार्केटिंग है टिकट की। और जो टिकट 3,000 आपको ऑनलाइन मिलेगा वो टिकट आपको वहाँ पे जाके कहीं 5,000 में मिल जाए, 6,000 में, बिकॉज वहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं है, बस फॉरनर्स इतने हैं, लोगों से जो पैसा मांगते हैं वो देते हैं, ठीक है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट टाइमिंग्स, टिकट की बात कर ली हमने, एंट्री की बात कर ली हमने, और हम लोग ये बात कर ली कि हाँ, इफ यू आर द ईडीएम 3, ईडीएम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डांस एंड म्यूजिक, तो दिस इज द मस्ट वॉच इवेंट फॉर यू, एंड स्पेशली अगर आप गोवा जाने वाले हैं तो इसको जरूर इस इवेंट को आप अटेंड कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इस फेस्टिवल में और क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं एंड कब कब होती हैं। टिल दैट टाइम जस्ट एंजॉय योर टाइम एंड हैव अ वेरी गुड फैंटास्टिक इवेंट इन दिसंबर इन गोवा। ओके, थैंक यू सो मच।